अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। द टेंपल इंस्टीट्यूट एक यहूदी इंस्टीट्यूशन है जिसका मकसद हर सूरत तीसरी मरतबा हैकल सुलमानी की तामीर के लिए तमाम राहें हमवार करना है। 28 अगस्त 2018 को इन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की जिसने पूरी दुनिया में एक सनसनी फैला दी, क्योंकि इसमें दिखाया गया कि अर्ज मुकदस पर 2000 साल के बाद पहली मरतबा एक सुर्ख रंग की बच्चिया पैदा हुई है जिसका वो अब तक शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये खबर इतनी अहम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसका जिक्र तुरात समेत बाइबल में भी मौजूद है। नंबर्स की किताब में लिखा है कि खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो सुर्ख रंग की एक बच्चिया जिस पर कोई दाग दबा ना हो और ना ही इसे कभी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया गया हो, इसे कुर्बानी के लिए लाए। यहूदी और ईसाई दोनों मकतबा फिक्र इस बात पर इतफाक करते हैं कि अगर एक बार फिर से अर्ज मुकदस यानी फलस्तीन पर, जिस पर 1948 में कब्जा करके इसराइली रियासत बनाई गई, एक बार फिर से इस तंदरुस्त सुर्ख रंग की बच्चिया की कुर्बानी दी गई, तो इसके बाद वो तीसरी मरतबा हैकल सुलमानी यानी टेंपल ऑफ सलमोन को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हैकल सुलमानी की तामीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में शुरू हुई, मगर अपनी जिंदगी के दौरान आप इसे मुकम्मल ना कर सके, लिहाजा आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे मुकम्मल किया। इसी वजह से इसे टेंपल ऑफ सलमोन भी कहते हैं, जो यरूशलम में यहूदियों की सबसे मुकद्दस इबादतगाह हुआ करती थी। लेकिन बनी इसराइल कौम की बदामालियों के बायस इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और टाइटस नामी रूमी बादशाह ने यरूशलम पर हमला करके इसे तहस नहस कर दिया। इसी दौरान हैकल सुलमानी को भी मलबे के ढेर में बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि यहूदी हैकल सुलमानी को एक बार फिर से तामीर करने के लिए इतना बेचैन क्यों है, क्योंकि वो पहले ही पसे पड़ता रहकर दुनिया के निजाम की डोरें अपनी मर्जी से हिला रहे हैं, इसराइली रियासत के भी मालिक बन चुके हैं। लिहाजा हैकल सुलमानी को तामीर करने का मकसद आखिर है क्या? दरअसल यहूदियों का ये मानना है कि अगर एक बार फिर से यानी तीसरी मरतबा उन्होंने हैकल सुलमानी की तामीर कर ली तो पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी, जिसके बाद इनका मसीह दज्जाल दुनिया में जाहिर होगा जो इनकी हुकूमत को पूरी दुनिया पर नाफिज कर देगा और इसी के बाद क़यामत का आगाज होगा। जिसने खुदा के वजूद पर यकीन रखा होगा इसका नाम बुक ऑफ लाइफ यानी जिंदगी की किताब में लिख दिया जाएगा, मगर जिसने इनकार किया होगा इसे आग की नदी में डाल दिया जाएगा। जबकि ईसाइयों के अकीदा के मुताबिक वो मसीहा ईसा अलैहिस्सलाम होंगे जो हैकल सुलमानी की तामीर के बाद दुनिया में जाहिर होंगे और दज्जाल का मुकाबला करके इसे कत्ल करेंगे। लेकिन इससे पहले इसराइल के पास ही जंगे हरमजदून का मार्का होगा जो हक और बातिल की आखिरी जंग होगी, क्योंकि इसमें हक और कुफर खुलकर आमने सामने आ जाएंगे, करोड़ों लोग इस जंग में मारे जाएंगे। दोस्तों वैसे तो ये सुर्ख रंग की बच्चियां दुनिया के बाकी ममालिक में भी पैदा होती हैं, मगर इनकी अलामात बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा कि बाइबल में बताया गया। मसलन इस पूरी बच्चिया का रंग सिर्फ सुर्ख हो, इसके जिस्म पर कोई धब्बा ना हो, इसके बाल बिल्कुल सीधे हों यानी वो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल ना हुई हो, इसके जिस्म पर 3 से ज्यादा काले बाल ना हो। लेकिन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिरकार 2000 साल के बाद एक सेहतमंद बच्चिया को पैदा कर लिया गया जिसे 3 माह इंस्पेक्शन में रखा जाएगा ताकि वो किसी बीमारी से मर ना जाए, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लोनिंग में इसका बहुत ज्यादा खतरा रहता है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि क्या वाकई इस बच्चिया का पैदा होना कुर्बे क्यामत के करीब आने की एक निशानी है? आखिर क्या है इस तमाम वाक्य की हकीकत? अगर हम इस्लामी रिवायत की बात करें तो इसका जिक्र हमें क्यामत की निशानियों से मुतल्लिक कहीं नहीं मिलता, मगर हाँ फिर भी यह क्यामत की निशानी है। मगर कैसे? जब भी यहूदी हैकल सुलमानी की दोबारा तामीर शुरू करेंगे तो इन्हें मस्जिद अक्सा को शहीद करना पड़ेगा जो मुसलमानों का किबला अव्वल था, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ हैकल सुलमानी मौजूद था, और मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए इस कदर मुकद्दस है कि वो इसके लिए जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। लिहाजा इस्लामी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ एक ऐलान जंग बुलंद होगा और एक आखिरी जंग अजीम होगी, इसी को जंग हरमजदून कहते हैं। ये शदीद फितने का आलम होगा क्योंकि यहूदियों का साथ देने के लिए अमेरिका, बरतानिया और तमाम मुसलमान मुखालिफ कुवतें इकट्ठी हो जाएंगी। इसी शदीद फितना और जंगी हालात के दौरान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जहूर होगा जो क्यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जाहिर होंगे जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल और इसकी यहूदी फौज के खिलाफ जंग में हिस्सा लेंगे। वो दज्जाल को अपने हाथों से कत्ल करेंगे
जिसका जिक्र हदीसे मुबारका में मौजूद है। और यूं यहूदियों को एक बार फिर से हैकल सुलमानी को तामीर करने का ख्वाब कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। इन्हीं दिनों में फलस्तीन से एक हैरत अंगेज खबर सामने आई है कि वहां जानबूझकर आर्टिफिशियल जलजले पैदा किए जा रहे हैं ताकि बिना कोई जंग लड़े और खून खराबा किए बगैर मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाए ताकि इसे कुदरती आफत का नाम दे दें। ये जलजले के झटके एक माह के दौरान यरूशलम के आसपास कई मरतबा महसूस किए गए, जो इससे पहले तारीख में भी कभी महसूस नहीं किए गए, जो ये जाहिर करता है कि यहूदी अपनी मकार चालों की बदौलत हर सूरत मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं ताकि जल्द से जल्द इस पर हैकल की तामीर शुरू कर सकें। अगर हम इस्लामी नुक्ता नजर से देखें तो इस बच्चिया का जिक्र हमें कुरान पाक की सूरह बकरा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के वाकयात के साथ मिलता है, जिस पर इस सूरत का नाम रखा गया है क्योंकि बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। बनी इसराइल का एक मालदार आदमी जिसका नाम अबील था, इसको इसके चचा के लड़कों ने कत्ल कर दिया और लाश को एक वीराने में फेंक कर वहां से फरार हो गए। सुबह उठकर लोगों ने इनकी तलाश शुरू की मगर कुछ पता न चला, लिहाजा वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कातिल के बारे में पूछा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय को ज़िबा करो जिसका रंग पीला हो, इस पर कोई दाग धब्बा ना हो और ना ही इससे कभी खेती बाड़ी का काम लिया गया हो। इसे खरीद कर कुर्बान करो, इसकी जबान या दुम की हड्डी से उस लाश को मारो तो वो लाश खुद जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताएगी। लिहाजा आपके हुक्म पर ऐसा ही किया गया और लाश ने उठकर अपने कातिल का नाम बता दिया। कुरान पाक की अक्सर तफसीर में इस गाय का रंग पीला लिखा गया है, लेकिन हो सकता है कि यह सुर्खी हो क्योंकि बाकी वाकया बिल्कुल एक जैसा है। और दूसरी वजह यह है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो आपने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हिदायत के लिए मामूर किया, मगर बनी इसराइल को शैतान ने सामरी जादूगर के रूप में आकर बहकाना शुरू कर दिया और एक सोने के बछड़े की इबारत पर लगा दिया। ये बछड़ा बनी इसराइल से बातें किया करता था, इनके तमाम मसाइल के जवाब देता। दरअसल शैतान इस बछड़े के अंदर से बनी इसराइल से बातें किया करता, जिससे वो तमाम लोग कुफर में मुबतला हो गए और इस सोने के बछड़े की इबारत शुरू कर दी, जिसे बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर से वापसी के बाद तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। यही वजह है कि ये सुर्ख रंग की बछिया बनी इसराइल के लिए इतनी अहम है और वो हैकल सुलमानी की तामीर के बाद दुनिया पर अपनी हुक्मरानी का ख्वाब पूरा करने से पहले इसे कुर्बान करना चाहते हैं। और अपने इन इरादों में वो चाहकर भी कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये मेरे रब का फैसला है और यहूदियों को अपनी बदामालियों के सबब दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवा होना है। मगर यकीनन एक बार फिर से हैकल सुलमानी की तामीर की कोशिश में एक बड़ी और मार्काकुन जंग का आगाज जरूर होगा, जिसका वादा 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से फरमा दिया था कि एक वक्त मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि कुफर की तमाम ताकतें जमा होकर मुसलमानों पर ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे गिदे शिकार पर टूटती हैं, यानी जंगे हरमजदून, जिसमें अल्लाह ताला हक की फतह फरमाएगा। और यकीनन इसका वक्त अब करीब आन पहुंचा है और चौंका ईसाई भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि तीसरी मरतबा हैकल सुलमानी की तामीर के बाद ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे, लिहाजा वो भी हैकल की तामीर के लिए यहूदियत का साथ देंगे और इसके इतिहादी बनकर आएंगे। अगर आप इस जंग के बारे में मजीद वजाहत से जानना चाहते हैं तो इस पर एक मुकम्मल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस सुर्ख रंग की बच्चिया से मुतल्लिक आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपकी इसके मुतल्लिक तमाम कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पास मौजूद बेल के आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी TV। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।